ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब है कि डीहान के लिए जो गाइडलाइंस है वो पेशावर के लिए भी हो तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि डीहान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, नौशेरा की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, चारसद्दी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए और इसको मज़ीद फ्लेक्सिबल होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपना पहला बजट, हम चूँकि हम इस फील्ड में अभी नए भी हैं, पहला हमने बजट बनाया, उसने टाइम लिया, लेकिन बजट हमने बना लिया, पास भी कर लिया है, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस अब शुरू हो गया। उसमें भी आज हमारी मीटिंग थी कि कौन कौन से हमारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए उसमें, जिसके थ्रू हम ये बजट एग्जीक्यूट करें अपना। तो उसमें हमारे अपने RDD रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट है, इस तरह डिवॉल्व डिपार्टमेंट है, CNW वगैरह। तो बजट मेकिंग प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन इस तरह, क्योंकि हमने ये बजट थोड़ा, हमारे पास टाइम कम था, जून से पहले ये ख़त्म भी करना है। नेक्स्ट जो कैलेंडर बजट का कैलेंडर है, इंशाल्लाह मार्च में हम शुरू करेंगे इसी तरह के सेशन, फिर आपके साथ करेंगे हमारे सारे जिसने डिस्ट्रिक्ट मेंबरान, क्योंकि ये बजट बनता काउंसिल से है। तो मैं चाहूँगा आपसे कि हमारे काउंसिल के जो मेंबरान हैं, वहाँ पर आपको कोई नुमाइंदा आए, उनको इस तरह की एक प्रेजेंटेशन दें कि बजट आप किस तरह अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं उसमें, और किस तरह से बनाते हैं कैलेंडर ईयर का क्या मतलब है, कि किस कब से आपका प्रोसेस ये बजट मेकिंग शुरू होना चाहिए और कब तक जाके ख़त्म होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में अपने क्या माइलस्टोन सेट करने हैं अपने लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ, आपकी टीम आए, या कहीं पर आप अरेंज करें तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इससे। और RDI की जिस तरह से बात हुई, तो ये RDI बड़ा ज़बरदस्त लॉ है, बड़ा सारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इसको एक अच्छी रेटिंग मिली है, क्योंकि कानून तो हमारे बन गए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। इम्प्लीमेंटेशन तो तब शुरू होती है कि कम अज़ कम अवेयरनेस लोगों में हो। तो RDI इंशाल्लाह इसके लिए भी हम एक प्लान बना रहे हैं, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे जितने पेशावर में हैं, 4,500 नुमाइंदे हमारे, और 4,500 ये लोगों की मतलब है कि ये एजुकेट होंगे RDI के बारे में, तो आगे जाके ये मैसेज बड़ा जबरदस्त जाएगा और कानून की इम्प्लीमेंटेशन आएगी तो लोगों के मसाइल अच्छे हल होंगे, लोगों को पता चलेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। तो इस हवाले से मैं अपनी बातें कंक्लूड करूँगा कि मैं चाहूँगा कि हमारे ये आपकी जो वो है टीम है, ये सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये हमारे मेम्बरान को भी आप एजुकेट करें, इनको वो करें, और हमारी तरफ से कम अज़ कम आपको ये ऑफ़र है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो हम आपको देंगे, और इसमें हम चाहेंगे आपके हमारे जो सपोर्ट हमारे साथ कर सकते हैं, इसमें हम अभी इसमें फेज में हैं कि अपनी वेबसाइट भी हम डेवलप करें और उस पे इंफॉर्मेशन दें खुद, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी और जितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, जितने लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, लोगों से छुपाया नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि रात की तारीकी में काम ना हो, जितना ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा उतनी करप्शन ख़त्म होगी। तो हमारी गवर्नमेंट का भी ये नारा, हम इंशाल्लाह हमारा भी ये विजन है और ये हमारी एम्बिशन है कि करप्शन कम अज़ कम ख़त्म हो तो बहुत इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, लेकिन अपने टाइम में इसको जितना मिनिमाइज हम कर सकते हैं वो करें। तो आप इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई ऐसी आपको मुश्किल नहीं होंगी।